बरेली शहर में नगर निगम द्वारा अधूरे कार्य से शहर की जनता को ही रही परेशानी और हाउस टैक्स में लापरवाही को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापारी सुरक्षा फोरम के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में नगर आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया। रामकिशन शुक्ला ने बताया, शहर में हो रहे सराहनीय विकास कार्यों में आमजन को कुछ अधूरे पड़े कार्य व अन्य कार्यों से सुविधा हो रही है। संजय नगर बाईपास रोड का कार्य ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ दिए जाने से व्यापारियों व आमजन को बहुत असुविधा हो रही है। शहर में जहां भी अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है उसकी पूर्व सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। हाउस टैक्स के जो बिल बनाकर दिए जा रहे हैं उसमें लापरवाही बरती जा रही है और 10 गुना अधिक टैक्स लगाकर बिल दिया जा रहा है। नाकुलागंज शास्त्री जी की पुलिया स्थित एक बड़ा नाला है जिसमें शहर के बड़े हिस्से का पानी जाता है, जिसकी तली झाड़ सफाई कई सालों से नहीं हुई है, जिसमें पानी सड़कों पर भर जाता है। इन मांगों को लेकर रोहित जिंदल, रामकृष्ण शुक्ला, दीपक द्विवेदी, गौरव सक्सेना आदि मौजूद रहे। आज व्यापारी सुरक्षा फोरम की ओर से महानगर व महानगर युवा टीम ने श्रीमान नगर आयुक्त महोदया को, श्रीमती नगर आयुक्त महोदया को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर की बात कही है। पहला, जिस तरीके से अतिक्रमण के चलते एकदम से दस्ते का आना और सामान जब्त कर लेना, ये थोड़ा विचारणीय है। पहले पूर्व सूचना दे दी जाए और जनता को विश्वास में ले लिया जाए। व्यापारी सुरक्षा फोरम का यह भी कहना है जनता से कि कृपया अतिक्रमण ना करें, नालों पर जो सामान है वो अपना अंदर कर लें, और अतिक्रमण करना सही भी नहीं है। उसके चलते जनता को विश्वास में लेकर पूर्व सूचना देकर अतिक्रमण चलाया जाए, ये हमने नगर आयुक्त महोदया से कहा है। दूसरा, शहर में जितने भी अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा करा जाए समय से। दिवाली आ रही है ताकि लोगों में कोई ऐसी परेशानी ना हो, इस तरीके की मांगे हमने नगर आयुक्त महोदया से करी हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द इन समस्याओं पर काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज व्यापारी सुरक्षा फोरम अपने पूरी टीम के साथ यहाँ नगर आयुक्त महोदया के पास कुछ शहर की ऐसी समस्या है जिसको लेकर यहाँ पर आए थे निराकरण के लिए। तो आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। एक तो बरेली में जो नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स का बिल दिया जा रहा है वो मनगढ़ंत तरीके से दिया जा रहा है। किसी में 10 गुना ज़्यादा, किसी में 20 गुना ज़्यादा बिल लगाकर दे दिया जा रहा है। आम जन और व्यापारी को इससे बहुत बड़ी पीड़ा है। आज उस पीड़ा को हम बताने आए थे। और साथ में शहर में अधूरे पड़े काम, जो संजय नगर बाईपास है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कम से कम 2000 व्यापारी वहाँ पर इससे असुविधा का सामना प्रतिदिन करता है। आज उसके लिए भी हमने निवेदन करा है। और शहर में जहाँ भी अधूरे काम पड़े हैं जिसके कारण नालों में सरियाँ निकली हुई हैं, आम जन को जीवन का खतरा है, ऐसे में हमने तमाम समस्याएं लेकर आज हम यहाँ पर आए थे। नगर आयुक्त महोदया, उनके नगर आयुक्त महोदय और असिस्टेंट साहब ने ये कहा है कि जल्द आपकी सारी समस्या का निदान किया जाएगा और हर जगह ये दिखवाया भी जाएगा कि जहाँ पर अधूरे काम पड़े हैं वो क्यों पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, ठेकेदार की कमी के कारण या कोई नगर निगम में अधिकारी द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लेकर आए थे और निश्चित रूप से जल्द आमजन और व्यापारी को इससे लाभ मिलेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।